चलिए दोस्तों, आज कर लेते हैं अनबॉक्सिंग नोकिया की तरफ से आने वाले क्लासिक फ़ोन की, जो कि है नोकिया 150। और गाइस, कंपनी ने इसे लॉन्च कर दिया है लगभग 2300 रुपये में। तो मैंने इसे मंगवाया nokia.com से, तो आप भी चेकआउट कर सकते हो। तो किस तरीके से आप देख सकते हो, इसका डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बॉक्स पर ही अवेलेबल है, मतलब बॉक्स पर ही दिख जाता है। उसके साथ ही जो इसमें फीचर्स मिल जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें 2.4 इंच की आपको एक QVGA डिस्प्ले मिलती है, जो कि नॉर्मल डिस्प्ले है। FM रेडियो इसके अंदर मिल जाता है आपको, MP3 प्लेयर मिल जाता है, VGA कैमरा मिल जाता है, और 23 आवर्स का टॉक टाइम मिल जाता है, जो कि स्टैंड बाय है। लेकिन अगर आप इसे यूज़ करते हो तो 20 घंटे तक का ही आपको इसमें लगभग कंटिन्यू टॉक टाइम देखने के लिए मिल जाता है। तो इसके अंदर आपको वीडियो कैमरा मिल जाता है, वीडियो प्लेयर मिल जाता है, MP3 प्लेयर वगैरह, ब्लूटूथ वगैरह सब आप इसमें देख सकते हो। और इसमें माइक्रो एसडी कार्ड भी लगा सकते हो गाइस, अप टू 32 GB तक का। उसके साथ ही कुछ इस तरीके से ड्यूल सिम है हमारा फ़ोन। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं कैसा है फ़ोन, कैसी क्वालिटी। और गाइस, इसमें आपको 3 कलर मिलते हैं, रेड, ब्लू और ब्लैक। मैंने मंगवाया है ब्लू, तो चलिए देख लेते हैं। और गाइस, और कंपनी इस पर देती है 1 साल तक की रिप्लेस गारंटी, मतलब फ़ोन में कुछ दिक्कत हो तो आप नया फ़ोन ले जाइए। तो चलिए खोलते हैं अपने बॉक्स को। तो गाइस, कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाता है फ़ोन रखा हुआ। और गाइस, फ़ोन की क्वालिटी मैं आपको दिखा दूं, और गाइस रियली में काफ़ी अमेजिंग फ़ोन है। और सबसे अच्छे मुझे लग रहे हैं इसके बटन्स, क्योंकि सारे बटन जो हैं वो काफ़ी अलग अलग हैं, जिससे आप दबाने में कोई भी बटन्स आपका एक्स्ट्रा नहीं दबेगा, मतलब जिस बटन को दबाना है उस वही दबेगा। और गाइस, एक और चीज़ में मुझे अच्छी लगी है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक बटन मिल जाता है नीचे की तरफ, तो अगर कभी कई बार पुराने फ़ोन में आप ये दबाते थे तो ये भी दबता था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ इशू नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ रहा है ये। और गाइस, कितनी अच्छी क्वालिटी है देखिए बटन्स की। और इस तरीके से फर्स्ट लुक देखने के लिए मिल जाता है आपको नोकिया 150 का। इसमें आपको VGA कैमरा देखने को मिल जाता है, नोकिया की ब्रांडिंग। चलिए डिटेल में आपको बताऊंगा, पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर और क्या कंटेंट देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके साथ ही गाइस, आपको एक बैटरी देखने के लिए मिल जाती है, जो बैटरी कैपेसिटी है गाइस वो है 1020 mAh की, कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाती है। उसके साथ ही आपको इसके अंदर एक चार्जर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि नॉर्मल चार्जर है। और उसी के साथ ही यहाँ पर आपको एक यूज़र मैनुअल देखने के लिए मिल जाती है। तो यूज़र मैनुअल में ज़्यादा कुछ तो है नहीं, किस तरीके से खोलना है, किस तरीके से सिम लगाना है, वो सब आपको बता रखा है। तो ये थे सारे कंटेंट, तो चलिए मैं हटाता हूँ, आते हैं अपने डिवाइस की तरफ। तो चलिए आते हैं अपने डिवाइस की तरफ। तो कुछ तरीके से हमें डिवाइस देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस, देख लीजिए कुछ इस तरीके से लुक मिलता है आपको फर्स्ट लुक देखने के लिए। तो फिजिकल ओवरव्यू में तो कुछ ज़्यादा तो है नहीं, यहाँ पर 2.4 इंच की आपको एक QVGA डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। उसके बाद नोकिया की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है, यहाँ पर आपको बटन्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जिनका फीडबैक काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी ईजिली आप एक हाथ से दबा सकते हो। और ऐसा कोई नहीं है कि आप एक बटन दबा रहे हो दूसरा भी दबा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी दूर दूर है बटन्स, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छे तरीके से काम करे, और काफ़ी सॉफ्ट बटन है। देखिए, सॉन्ग सुनिए। और सबसे अच्छा मुझे फील यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि गाइस कई बार हम इसको यूज़ करते हैं तो कई बार हमारा बीच वाला बटन भी दब जाता है, जो कि पुराने फ़ोनों में होता था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप काफ़ी ईजिली जो ऊपर वाला बटन दबाना है, नीचे वाला दबाना है, तो वही दबता है, बीच वाला नहीं दबता, क्योंकि इसके बीच में आपको थोड़ा सा गैप देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है और काफ़ी अच्छी फील दे रहा है। उसके साथ ही यहाँ पर ऊपर की तरफ एयरपीस देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर सामने की तरफ आपको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाता है, साइड में कुछ भी नहीं है। ऊपर की तरफ आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक, चार्जिंग पॉइंट, उसके साथ ही राइट साइड में भी फ़ोन के कुछ भी नहीं है, VGA कैमरा, LED फ्लैश और नोकिया की ब्रांडिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है। बैक साइड में नीचे की तरफ आपको एक माइक देखने के लिए मिल जाता है। तो कुछ तरीके से फिजिकल ओवरव्यू देखने के लिए मिल जाता है इस फ़ोन का। तो चलिए बैक कवर खोलते हैं और लगाते हैं अपनी बैटरी और करते हैं इसको जल्दी से ऑन। तो कुछ तरीके से आपको खोलना है इसका बैक कवर, और काफ़ी इजीली निकल आता है। उसके साथ ही कैसे यहाँ पर आपको ड्यूल सिम देखने के लिए मिल जाती है। उसके साथ ही आप यहाँ पर एक मेमोरी SD कार्ड भी लगा सकते हो 32 GB तक का। और यहाँ पर अंदर से कुछ तरीके से देखने के लिए मिल जाता है, EMI नंबर वगैरह सब मेंशन है। तो बैटरी लगाते हैं हम, और हम करते हैं अपने बैक कवर को बंद, और हमने लगा दी बैटरी। तो चलिए कर लेते हैं फ़ोन को स्टार्ट। और फ़ोन स्टार्ट होते ही नोकिया की टोन बज जाती है, जैसे कि आपने सुन लिया। उसी के साथ लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, आपको जैसी भी रखनी है, तो हमें रखनी है इंग्लिश। उसके बाद यहाँ पर टाइम वगैरह है वो हम करेंगे बाद में सेट, और हमारा फ़ोन हो गया बहुत जल्दी बूट अप। देख लीजिए कितनी जल्दी स्टार्ट हो गया हमारा फ़ोन। तो यहाँ पर मेन्यू कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाते हैं आपको गाइस, और कुछ तरीके से FM रेडियो वगैरह सब आपको देखने के लिए मिल जाता है। और इसके साथ कोई भी आपको एयरफोन देखने के लिए नहीं मिलते, ये भी आप दिमाग में रखना। कुछ गेम्स दिए हुए हैं इसके अंदर, तो बाय करने के लिए बोल रहे हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको इसकी साउंड क्वालिटी सुना देता हूँ।
तो साउंड क्वालिटी भी ठीक ठाक है और इतना ज़्यादा स्लो नहीं है, ठीक है, अच्छे बोली आपको सुन जाएगी कहीं भी आप बैठे हो तो। आपके रिंगटोन्स वगैरह आपको फ़ोन आता है तो आपको इजीली सुनाई दे जाएगा। और कुछ तरीके से फ़ोन का लुक देखने के लिए मिल जाता है गाइस। इसमें कुछ ज़्यादा फीचर्स तो है नहीं जो बताने लायक है, नॉर्मल फीचर फ़ोन है, जैसे कि आपको अपने डैड को देना हो, मॉम को देना हो, और नॉर्मल आपको यूज़ करना हो सेकेंडरी फ़ोन के लिए, तो काफ़ी अच्छा यूज़ हो जाएगा इसका। और गाइस बटन्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी यूजेबिलिटी है इस फ़ोन की, और रियली में काफ़ी अच्छा लगा मुझे फ़ोन। 2200 रुपये के हिसाब से काफ़ी अच्छा फ़ोन है, और जो ग्रिप क्वालिटी वो भी काफ़ी अच्छी लग रही, लग रहा है कोई सॉलिड फ़ोन आपने पकड़ रखा है। तो गाइस ये था एक इसका नोकिया 150 का अनबॉक्सिंग और रिव्यू। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो चलिए गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।